तीन अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। ऐसा कौन सा फल है जिसके पेट में दांत होते हैं? छोटा सा है मटकू दास, कपड़े पहने 150। हेलो दोस्तों, आज मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ क्योंकि हिंदी का एग्जाम आने वाला है। मुझे हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है मुझे और क्या अच्छा लगता है? आपसे रिडल्स पूछना। तो चलो, रेडी हो आप? रिडल्स के पहले मैं थोड़ा टांग पी लेता हूँ, और हाँ, मिथांश को भी बुला लेता हूँ। मिथांश सोनी, आपकी जरूरत है यहाँ पे इमीडिएटली। आ गए हम। कौन हमें याद कर रहा था? प्रसिद्ध सोनी। और आपने रिकॉर्डिंग शुरू भी कर दी और रिडल्स भी ढूंढ लिए। ऑफ कोर्स। और आज की रिडल्स होने वाली है हिंदी में। हिंदी में रिडल्स को कहते हैं पहेलियां। तो पहली पहेली, तीन अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपके पास 10 सेकंड हैं। समय समाप्त हुआ। अगर आपको इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है तो इसका आंसर है नयन। एक्चुअली नमन भी हो सकता है और बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। दूसरी पहेली के लिए तैयार हो जाओ। छोटा सा है मटकू दास, कपड़े पहने 150। मुझे तो एक टी शर्ट में ही गर्मी लग रही है, इसलिए एसी चलाया हुआ है। मे बी वो एंटार्क्टिका में रहता होगा इसलिए इतने सारे टी शर्ट पहने होंगे। आप कंफ्यूज मत होना, एंटार्क्टिका में नहीं रहता है, हर जगह होता है। तो 10 सेकंड है आपके पास, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिए। अगर आपने आंसर अब तक नहीं सोचा है और आपको और टाइम चाहिए तो आप ये वीडियो को पॉज कर सकते हो। अब मैं इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ, जो है प्याज। क्योंकि मटके जैसे दिखता है तो मटकू दास, और उसके इतने सारे लेयर्स होते हैं कि कपड़े जैसे हो गए। अब मैं पूछने जा रहा हूँ तीसरी पहेली। मेरा भाई बड़ा शैतान। मुझे शैतान बुला रहे हो? पहली आंसर पता चल गया। मैं, अरे नहीं नहीं, आपको शैतान नहीं बुला रहा, एक चीज है जिसको हम भाई बुला रहे हैं। चलो पूरी सुनो। मेरा भाई बड़ा शैतान, बैठता नाक पर पकड़े कान। चलो 10 सेकंड मिल रहे हैं, जल्दी सोचो सोचो और जवाब कमेंट सेक्शन में लिखो। टाइम्स अप। इस रिडल का आंसर मिथांश तो नहीं है, पर अगर आप उसका फेस देखोगे तो आपको आंसर इजीली पता चल जाएगा। इस पहेली का जवाब है चश्मा, क्योंकि चश्मा रेस्ट करता है हमारे नाक पे और पकड़ता है हमारे कान को। मुझे इसका आंसर सही नहीं लगा, क्योंकि शैतान कैसे हो सकता है चश्मा? चश्मा इस शैतान, क्योंकि वो कान को पकड़ रहा है और नाक पर बैठ रहा है, तो शैतान कैसे नहीं होगा? वैसे जिनकी आंखें वीक होती हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, तो शैतान मत बुलाओ। आप तो भाई सीरियस हो गए, ये मजाक चल रहा है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, अब मैं एक रिडल पूछता हूँ आपसे, प्रसिद्ध से नहीं। ऐसा कौन सा फल है जिसके पेट में दांत होते हैं? अब जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और हम आपको आंसर कब बताएंगे हमारे Q&A एपिसोड में। Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर, और ये एपिसोड हम हर महीने 15th को करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे Q&A सेशन हर 15th क्यों होता है? क्योंकि हमारा चैनल स्टार्ट हुआ था 15th August पर, तो इसलिए हम हर 15th को आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो आज का एपिसोड का अंत यहाँ होता है। धन्यवाद।